अल्लाह मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हाँ जी संगत की हाल है खैरियत उम्मीद करे सके सारे दोस्त बाब मेरे बिरा सारे ठीक ही होसन तो दोस्त बाब जेड़े भी मेरा व्लॉग वेखन तो पहले नंबर तो मेरे चैनल में जरूर सबसक्राइब करन और सबसक्राइब करने तो बार बैल आइकॉन का बटन दबा देन। मैं आया बैठा दरिया रावी दी पुल ते मोटर वे M4 वाली पुल ते आया बैठा तो उत्थे अपने नाल अज बड़े ही खूबसूरत मेहमान साढ़े दिलों की धड़कन बल्कि कि लखां बंदे दी दिलों की धड़कन FM 103 प्रोग्राम करेंगे हाँ तो उन्होंने मैं तुम्हें थोड़े जे तारुफ करा देना इन्हों FM ते इन्हों कई दिन प्रोग्राम किया उस प्रोग्राम करने तो बाद फिर इन्हों की सरकारी जाब हो गई तो वो इन्हें फिर छोड़ दिता तो इन्हें मैं दावा देना हाँ चौधरी अदनान सिंधु साहब जिन्हें FM ते काफ़ी दिन प्रोग्राम करते रहे तो प्रोग्राम करने तो बाद इन्हों को पूछने तुम क्यों छोड़िया तो लोग अजकल FM क्यों नहीं वेख रहे उन्होंने बारे चौधरी साहब हुई सू सारे दस असलम चौधरी साहब वाले असलम जी पहले नंबर तो थोड़ा तह दिल तो मशहूर हाँ कि तुम बंदे ना चीज एक आम जै बंदे तो एड्डी वीडी हस्ती हो कि भाई FM तक काम करने के बावजूद तुम सू इंटरव्यू देते पे हो ये असा शुक्रिया अदा करें हाँ तो तुम सारे दोस्त बाब में थोड़ी जगह करो जो चैनल से तुम काम किया कितनी व्यूअरशिप आई कितने बंदे तुम वेंदे आ सर सब तो पहले तो मैं बहुत शुक्रिया थोड़ा अदा करे सूसा जिमें मैं बुलाया अपने प्रोग्राम में इज्जत बख्शी तो मैं सर 2016 के बेचना यूनिवर्सिटी तो फारिग होया हूँ बहुद्दीन ज़िक्रिया चू मेरी तो डिग्री मैं की थी, यो मास कम्यूनीकेशन की उत्थे भी साढ़ा FM 87.6 उत्थे भी मैं बड़े शौक न प्रोग्राम डेली ना तकरीबन अद्धे तो पौने घंटे का प्रोग्राम मैं करना हूँ। मेरा एक दोस्त हों मिर्ज़ा मोहम्मद इकबाल मुजफ्फरगढ़ तो वह भी सर मेरा पार्टनर आई उस प्रोग्राम दे विच असा ज़्यादातर प्रोग्राम करें दे असे जी खेलों के उत्ते। अच्छा उत्थे तुसां खेलों ते प्रोग्राम जी हाँ खेलों ते प्रोग्राम असा करें दे असे सर क्रिकेट साडा ज़्यादा शौक दा जिहड़ा प्रोग्राम हुंदा इहनूं क्रिकेट दे हुंदा है तो बदकिस्मती नाल साडी क्रिकेट टीम परफॉर्म ही नहीं करेंदी लिहाजा साडी बड़ी दिलदारी हुई उत्थों फिर असा खैरबाद कह दिता BZU तो फिर डिग्री कंप्लीट हुई 2016 दे विच फिर सर फ्रैश आते फिर मैं 103 FM के उत्ते काम किया उद्दे भी मेरा खेलों का ज़्यादा जो दिलचस्पी मेरी खेलना चाहिए उत्थे मैं तकरीबन 6 महीने काम किया 6 महीने काम करने तो बाद मेरी सर गवर्नमेंट सैक्टर के जॉब हो गई जिहड़ी वजह तो फिर मैनू प्रोग्राम नू खैरबाद कहना पै गया जी लिहाजा मेरा बड़ा शौक है फिर भी इंशाल्लाह जल्दी मैं जिहड़ा ना फिर जॉब के नाल नाल तुसां ए काम करना चाहते हो FM की दुनिया तो फिर इंशाल्लाह सुनाई देवांगा ते आज अजकल ना FM ते बहुत लोग जड़ा ना घट हो गए की वजह है भाई बंदे नहीं सुनते अगे हालांकि असा आप छोटे होंदे ना FM वाले मोबाइल लेंदे असे मोबाइलों के उत्ते प्रोग्राम सुनते असे ते हुण बंदे बहुत घट सुन कोई चंद चीदा चीदा लोग हैं जो FM नू सुनदे सर वो मैं वजह ये है जी असल सोशल मीडिया जड़ा ना इतना आ गया है इंटरनेट की दुनिया बड़ी फास्ट तेज है हुण जिहड़ी वजह तो उन्होंने नौजवान जड़े FM नू सुनने की बजाय ज़्यादा तरजीह देते YouTube देख ली Facebook देख ली Twitter देख लिया लिहाजा वो फिर इतना टाइम अजकल कहीं कोल भी नहीं कि वो FM नू जड़ा ना इतना बह के सुनन क्योंकि अगे बड़ा बेहतरीन सिस्टम होंदा है अगे बाज़ औकात जड़ा ना कि बिजली लाइट वगैरह नहीं होंदी मैच होंदा है पाकिस्तान का क्योंकि बहुत घट चैनल से आंदा सिर्फ PTV स्पोर्ट्स देंदा होंदा है हुण तां माशाल्लाह देहातों के बच्चे भी बड़ा जबरदस्त सिस्टम हर बंदे ने अपने घर डिश लवा ली है ये कर लिया वो कर लिया हर तरह का तेज तरीन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है हर जगह पर लिहाजा नौजवान अगर बड़ा इंट्रस्ट रखते हैं जदन का मैं 2016 के बच्चे खैरबाद गया उस तो बाद लोगों का इंट्रस्ट भी मैं जो बहुत घट देखिया है FM से जिंद वजह सब तो ज़्यादा सोशल मीडिया का तेज होना है पाया अगे इस तरह होंगे भी अगर मैच तो ना सुन सकते TV ना वेख सकते तो FM से सुन लें लेकिन हूँ भी FM से मैच आता है लेकिन लोगों का ज़्यादा इंट्रस्ट वो जी देख के उन्होंने मज़ा आता है वो सुन के मज़ा नहीं आता। अच्छा हूँ कोई ऐसा दौर वापस आ सकता है भाई वो दौर वापस आ जाए लोग FM ज़्यादा तवज्जो देवन हो जाए FM वेखन हो जाए सर बहुत मुश्किल है क्योंकि जदीद दौर आ रहा है साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है लिहाजा FM वाले ने भी कोई ऐसा अपनी तेजी ले आनी चाहिए है लेकिन फिर भी लोग ज़्यादातर तुम दसिया है वो गल है लोग ज़्यादातर देख के चीज़ में मज़ा लेंदे सुन के उन्होंने मज़ा यानी कि हूँ घट है तो लिहाजा इस तरह है कि हूँ या तो FM वाले वीडियो नाल अपनी जो ना वीडियो चैनल अपने बना लवन ताकि बाद जिम्मे डिश के उत्ते चैनल आ रहे वीडियो
ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਲੈਵਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਲਈ ਆਵਾਮ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਵਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਸਾਂ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਖਾਨੇਵਾਲ ਐਫ ਐਮ 'ਤੇ ਆਸਾਂ ਜਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਫ ਐਮ 'ਤੇ ਆਸਾਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਗਰ ਬਾਈ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਗਰ ਬਾਈ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਦਸਵਾ ਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਗਾਹ ਕਰੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਸਕਣ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਆਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਬਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਅਸਗਰ ਬਾਈ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਇਲਾਕਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸਗਰ ਬਾਈ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਰਸ਼ਿਪ ਵਧਾਓ ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਹੈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਰ ਐਂਡ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਬਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਭੁੱਲੋ ਨਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਤਹਾਈ ਮਸ਼ਕੂਰ ਮਮਨੂਨ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਵਸਦ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਵੀ ਵਿਖਾ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੀ ਪੁੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੱਬੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੀ ਜਲ ਗਿਆ, ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਹੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਿਰਾਵੋ, ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਦੀ। ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਬਾਪ ਆਉਣਾ ਚਾਹਵਣ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾ ਦਿੱਸਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਸਲਾਮ।